मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने 2.5-3 महीने के व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय, यद्यपि उनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके उन्होंने 10 वर्षों से भारत की सेवा की है और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया है। मोदी जी की यह आराधना एक आध्यात्मिक आराधना, यह आध्यात्मिक आराधना राष्ट्र आराधना है। भारत माता के इसी चरणों में वह एक आराधना है जो राष्ट्र को समर्पित है, भारत की 140 करोड़ जनता की, जनार्दन की सेवा के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है। और ये भारत की परंपरा है। जो लोग भोग में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। आध्यात्मिक आराधना को समझने के लिए भारत और भारत जैसा मन चाहिए, भारत की सनातन मूल्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठा का भाव चाहिए। जिनके मन में भारत के प्रति आस्था का भाव नहीं है, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों की ध्वजियां उड़ाना जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया था और जिनके कारनामों से जनता उनको बार बार ठुकराई है, वे लोग मोदी जी के इस ध्यान साधना और इस राष्ट्र आराधना का मखौल भले ही उड़ा सकते हैं, लेकिन जनता जनार्दन अपने नेता के समर्थन में और उनके पूरे कार्यक्रमों के साथ, पूरे समर्पित भाव के साथ जुड़ी हुई है और जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद, पूरा स्नेह मोदी जी के साथ में है। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह मोदी जी की ध्यान साधना का कार्यक्रम भी राष्ट्र आराधना का हिस्सा है और इसका लाभ भी देश को प्राप्त होगा।